को गलत। बड़ी खबर 3 बजे तक एमपी में 46.50% मतदान, 3 बजे तक छत्तीसगढ़ में 63.90% मतदान, 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ गया है और मनमोहन सिंह के बयान पर, पुराने बयान पर विवाद शुरू हो गया है दूसरी तरफ, और प्रधानमंत्री इसी को लेकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस बीच वोटिंग परसेंटेज बताना जरूरी है क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है पूरे देश में, 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसी सीटें जहां जो नक्सल प्रभावित हैं वहां पर 3 बजे तक वोटिंग जो थी वो समाप्त हो चुकी है, 3 बज चुके हैं, वोटिंग समाप्त हो गई। जहां पर अगर लोग कतार में हैं तो वहां पर वोटिंग वो करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन गेट अब बंद कर दिए गए हैं। लेकिन 3 बजे तक का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वोटिंग परसेंटेज बताना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में 63.90% और मध्य प्रदेश में 46.50% मतदान हुआ। और अगर मध्य प्रदेश की 6 सीटों का अगर हिसाब देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज उतना अच्छा तो हम नहीं मान सकते क्योंकि ये 50% को भी अभी नहीं छुआ और वोटिंग में अब केवल और केवल 3 घंटे बाकी है, वो भी भीषण गर्मी का समय है। और ऐसे में हो सकता है कि जब थोड़ी सी ठंडक हो तब वोटर फिर से निकले और शाम 6 बजे तक, लेकिन सुबह जो उत्साह रहता है उतना तो उतनी कतारें तो शायद ही देखने को, लेकिन हो सकता है कि जो काम से लौटेंगे वो वोट करने जरूर जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए